हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं देवेंद्र अग्रवाल। आज हम बात करेंगे ओप्पो के फोन की। एक अच्छा सलूशन आपको देने वाले हैं। ये फोन मेरे पास आया है एक टेक्नीशियन से जो सिर्फ सीपीयू एमएमसी का काम छोड़ के दुनिया भर के काम करता है, और उसने सीपीयू एमएमसी का काम नहीं किया। कह रहे हैं कि सर रीस्टार्ट कंडीशन में है, और जो जो वो कर सका आईएसपी से उन्होंने चेक कर लिया, सर इसका एमएमसी ओके है, फ्लैशिंग कर चुका है, इवन वो बैटरी भी चेंज कर चुका है। तो सारी चीज करने के बाद में ये बोर्ड यहाँ पे सेंड किया, और ये बोर्ड सिर्फ डायग्नोस के लिए। उसने कहा पर्सनल की सर इस पर वीडियो जरूर बनाना। तो इस फोन के अंदर क्या है, नोटिस कीजिए, इस फोन के अंदर बेसिकली क्या है आप देख रहे हो। तो उतना सब पे देखिए, यहाँ पर देखिए पतरा निकला हुआ है, वैसे कॉम्प्रेंट दे रहा है, आईसी को छेड़ा होगा, और यहाँ की आईसीओ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत काम हुआ है या फिर, और यहाँ पर भी देखिए तो पावर आईसी पर को भी रिबोल किया होगा मे बी, अगर हम यहाँ पर, और हमें पता चल जाएगा कि रिबोल किया है कि नहीं किया है। क्या तो यहाँ पर बेसिकली उसने सब पे काम किया है, बट उसने सीपीयू और एमएमसी को नहीं टच किया है। तो उसको लग रहा है कि सर आप बस सीपीयू एमएमसी रिबोल कर देंगे और ये रीस्टार्ट इशू डन हो जाएगा। तो आओ चलते हैं थोड़ा सा, आज इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी डिटेलिंग मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं कि इस फोन में अंदर हो क्या रहा है। देखिए तो सबसे पहले हम फोन में बात करते हैं, हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चार्ज है, अभी हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि ये किस कंडीशन में यहाँ पे ऑन हो रहा है। यहाँ पर नोटिस कीजिए, देखिए रियलमी आ रहा है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट लोगो है आप देख सकते हैं, इसको फर्स्ट लोगो कहते हैं, नीचे एंड्रॉयड है, ऊपर रियलमी। अब इसका सेकंड लोगो आएगा, फिर इसके बाद इसकी होम स्क्रीन आएगी। तो देखो सेकंड लोगो भी आ गया इसका रियलमी, पर सेकंड लोगो पे ये बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये सेकंड लोगो पे आके बंद हो जाता है। अब इसकी चार्जिंग का स्टेटस बताएं क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए तो चार्जिंग का स्टेटस हम जानते हैं, नोटिस करना यहाँ पर देखो हमने लगा के रखा हुआ है, कुछ भी नहीं ले रहा है, 0-0 है। तो आप देख सकते हो अभी कुछ भी नहीं ले रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग का स्टेटस 0-0 है, चलो ये भी समझ लेते हैं। अब इसके बाद एक काम करते हैं, हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे हो कि सर बैटरी के बीएमएस सर्किट में जो एक कंपोनेंट होता है रजिस्टर, वो रजिस्टर क्या नाम क्या है मुझे को कमेंट करके बताना। मुझे पूरे यकीन आधे से ज़्यादा लोग उसका नाम गलत ही बताएंगे, पर फिर भी कमेंट करके बताना, वो रजिस्टर को जंपर मार दो या उससे हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक डीसी मशीन से ऑन करके बताता हूँ, और ये वाला फोन डीसी मशीन से ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैं ना नॉर्मल बूट केबल यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ दिखाइए थोड़ा, यहाँ लाइए, मैं नॉर्मल बूट केबल यूज़ नहीं कर रहा, मैं मॉडिफाइड बूट केबल यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक बार देखते हैं, उल्टा तो नहीं, हाँ देखिए शॉर्टिंग तो नहीं है बोर्ड में। अब मैं पावर की दबाऊँगा और देखूँगा यहाँ पर कि ये कुछ बूट ले रहा है कि नहीं ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बूट केबल लगाई है, इसको उल्टा लगा के भी पावर की दबा, देखो बूट लिया, देखो रीडिंग देख रहे हो आप यहाँ पर। तो फिर से दबाता हूँ पावर की, ये देखिए तो बूटिंग तो ले रहा है, देखो 400 500 600 900, इवन यहाँ पे देखो हाई बूट भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं कह सकते कि देखो यहाँ पर भी देखो ये 0-0 जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट हो सकता है सीपीयू भी आपका रिबोल करना पड़ेगा। पहले मैं आपको पूरा बोर्ड का आई डायग्नोस बताता हूँ, नोटिस करो। तो पहले मैं आपको आई डायग्नोस बताता हूँ, देखिए तो इस तरह से पीछे दिखाइए कि यहाँ पर ये और ये मैं दोनों एक साथ दिखाई दें, ये देखिए तो आप देख लीजिए सीपीयू पेस्टेड है, सीपीयू पे अभी कोई काम नहीं हुआ, ये आप देख सकते हो सीपीयू पेस्टेड है, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर यहाँ का सील पता काटा गया है, इस आईसी पे काम हुआ हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक जंपर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये जो जंपर है ये एक रजिस्टर का जंपर मारा गया है। मैं आपको बता दूँ ये एक वीएसपी और वीएसएन की जो सप्लाई होती है उसके रजिस्टर पे जंपर मारा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कुछ कॉम्पोनेंट गायब है, जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट है ये गायब है, क्यों रीज़न है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है आप देखिए, तो ये जो दिख रहा है ये इससे थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, इसको कहते हैं रियल आई डायग्नोस। यहाँ पर दिख रहा है सर आपको, यहाँ से थोड़ा अलग सा दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर तो हमें सील्ड भी देखनी होती है कि सील्ड के आसपास का कोई यहाँ पर ऐसा ट्रैक तो नहीं है जो कटा हुआ है, बेसिकली ये ट्रैक हमारे सीपीयू और एमएमसी के बीच का भी हो सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पावर आईसी पर भी काम किया है और वाईफाई आईसी पर भी काम किया है। अब बेसिकली पहली बार बोर्ड किसके लिए आया था ये पता नहीं है, क्योंकि उसके पास भी बोर्ड ये रीस्टार्ट के लिए आया था, और वो कह रहा है कि सर मैं नॉर्मली जो जो हो सकता है वो सारी चीज़ मैंने कर ली है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा देखो ये तरह का कॉम्प्रेंट नहीं है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे होल है, तो ये बार अजीब अलग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गोला करके रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उस बंदे का कि सर शॉर्टिंग तो नहीं है, और ये भी कह रहा है मतलब जो उन्होंने चेक किया
और वो उसको लग रहा है इसका सीपीयू बीएमसी रिबोल कर देने से अगर हो जाता है तो उसने उसको भेजा। देखो हमारे स्टूडेंट होते ना तो कभी ये नहीं भेजते, क्योंकि सीपीयू पर वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, तीसरे दिन में लाइट पावर, चौथे दिन में सीपीयू कर रहे हैं। और ये हमारे स्टूडेंट का तो सेट नहीं है, ये एक अब समझ सकते हो लोकल एक बंदे का सेट है। बट क्या होता है ना, किसी भी जगह जाके, किसी भी इंस्टीट्यूट जाके आदमी पावर आवर लगाना सीख जाता है तो उसको लगता है कि मैं सीख गया हूँ, वहाँ वो 20,000 खर्च कर लेता है और ये सोचता है मैं तो कम फीस में सीख गया हूँ। फिर उसके बाद में 10,000 वो ये नहीं सोचता कि मैं रहने का दिया है, 5,000 15,000 मैंने टूल का किराया, ले देखे 40-50,000 तो वो खर्च कर ही देता है। और क्या सीख के आता है साहिर सर? सिर्फ पावर आईसी नहीं, सिर्फ पावर आईसी निकाल के लगा दिया, रिबोलिंग तक बनता नहीं है और कॉन्फिडेंस जीरो होता है और डर होता है। अब देखो ना इस फोन पर वो सीपीयू और एमएमसी भी अटेम्प्ट नहीं हुआ। फिलहाल हम सीपीयू एमएमसी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ नया, तो इसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर वो टेस्टिंग में कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका फाइनल है सीपीयू और एमएमसी को निकाल के रिबोल करेंगे और मे बी हो सकता है कि उससे वो ठीक हो जाए। तो क्या करना है भाई, अगर आपके पास में रीस्टार्ट के प्रॉब्लम आते हैं और अगर आप फ्लैशिंग अटेम्प्ट कर चुके हैं फर्स्ट, अगर आपने एमएमसी आपकी ओके है, अगर आप आईएसपी से चेक कर सकते हैं सेकंड, और जो बंदों को यूएफआई का नॉलेज नहीं है, एमएमसी नहीं आती, वो आप ये समझ लो रीस्टार्ट के सेट बना पाना आपके लिए 50% जीरो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर आप सीपीयू एमएमसी नहीं उठाना चाहते हो तो आप नॉर्मली जो सॉर्टिंग चेक कर सकते हो वो कर लो बोर्ड में किसी तरह का, बैटरी चेंज कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको सॉर्टिंग आता है तो एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ सॉर्टिंग का। तो जनरली कई बार क्या होता है ना, कई आईसीओ के अंदर सॉर्टिंग होती है और उसको पता लगने के लिए हमारे को पता नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ जाएं। सो आप नोटिस करो ना, अभी भी अगर हम देखें तो कुछ साइट के पत्रे अभी भी लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा है सर? अगर मैं कह दूं कि इसके अंदर सॉर्टिंग है तो ऐसे तो हर पत्रा तो आप उतार नहीं सकते। तो अच्छा ये है कि जो मेन जगह है कहाँ से ये आ रही है चीज़, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम को मत ढूंढो, प्रॉब्लम कहाँ से निकली है, पैदा हुई है, वो जड़ को ढूंढो। तो प्रॉब्लम की जड़ है हमारे में पावर आईसी। तो पावर इसमें अगर दो पावर होती, ये दो पावर आईसी का सर्किट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएमआई लगी हुई है, ठीक है, और पीएमआई लगी हुई है यहाँ पर 632, और पर यहाँ पर मैं इसको एक ही पावर बोलूंगा क्योंकि ये एक सिर्फ सब पावर है। अगर ये कोर पावर होती जैसे पीएमएल होता, ए होता, सी होता, एक्स होता, तो मैं बोलता कि कोर पावर है, तो फिर क्योंकि ये एलडीओ बना रही है तो पीएमआई एलडीओ नहीं बनाती है, तो हम ये बोलेंगे कि ये आईसी बेसिकली मेन एलडीओ बनाती है। मेन एलडीओ, एलडीओ का मतलब ये नहीं कि एक दो एलडीओ बना दिए, एलडीओ का मतलब है जो आपके सब सेक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं साहिर सर, हम इस फोन के पावर आईसी को निकालते हैं, बराबर? हमने इसकी पावर को निकाल दिया है, आप देख सकते हैं इसकी पावर एक पेस्टेड पावर है, ठीक है। यहां पे दिखाइए थोड़ा जूम करके, देखिए इसकी पावर एक पेस्टेड पावर है। और दूसरी बात कि इसके पीछे जो सीपीयू है वो ओप्पो का ब्लैक पेस्टेड है भाई साहब, अच्छे अच्छे की हवा खिसक जाती है डबल लेयर वाला। और हमारे स्टूडेंट उसको ना मलाई जैसे काट रहा है, मलाई जैसे नहीं है कि लाइव देखो फेसबुक में जाओ, ऐसे नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर विश्वास मत करो। एक और कहना चाहूंगा, जो भी लोग सिर्फ यूट्यूब देखकर कोई इंस्टीट्यूट चुन रहे हैं ना, तो यूट्यूब मत देखो, एक दूसरा सोर्स भी देखो उनका कि वहां पर वो दूसरा तरीके से काम दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक सोर्स देखकर मत जाओ, पर आप दो सोर्स देखो। एसा टेलीकॉम के ना बहुत से सोर्स है, तो एक सोर्स आपका फेसबुक है, जाइए वहां पर डेली लाइव देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि हम कितने एक्टिव है। हमारे यहाँ के व्यू पर जज मत करो, हमारे यूट्यूब पर जाओ, फेसबुक में जाना, 5,00,000 से ऊपर हमारे इंडिया फर्स्ट इंस्टीट्यूट है हम। हाँ सर, इंडिया फर्स्ट इंस्टीट्यूट है हम, 5,00,000 के ऊपर हमारे फॉलोअर्स हैं। तो हम इस आईसी को भी लगा सकते हैं, बट हम दूसरी आईसी लगाएंगे क्योंकि इस आईसी को क्लीन करके भी लगा सकते हैं। बड़ी आईसी नॉर्मल है, आपके नोट 5, आपके रेडमी नोट 4 में भी आपको कॉमनली मिल जाएगी, तो हम इसको भी लगा सकते हैं। बट
देख लेंगे, इसी को लगा देंगे रिवॉल्व करके। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं। देखो कभी भी जब भी आपसे बोला जाता है कि आईसीयू के जीआर लो, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरे जीआर लेने हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेन आपको किस पॉइंट के जीआर लेना है। उसके लिए आपको सर्किट का नॉलेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके बड़े बॉल उठा लिए पहले हमने, तो अब हमने आईसी को क्लीन कर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे और अगर यहां पे सब कुछ सही निकला तो हम सीपीयू और इसको एमएमसी को रिबॉल करके लगाएंगे, क्योंकि 50% मानता हूं मैं उससे होता है, पर ऑलरेडी यहां पर आपको एक नया चीज मिल सकती है। अब आप देखिए आपकी पावर एसी है, ठीक है। अब आपको इस पावर आईसी को चेक करना है, किस तरीके से आप इसको चेक करने वाले हैं। दूसरी पहली बात, इस पावर आईसी में आपको पूरे बक कॉइल देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली इस पावर आईसी के अंदर 7 बक कॉइल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बक कॉइल यहाँ पे है, तो 2 बक कॉइल इसके पीछे लगे हुए हैं, 1 और 2, तो टोटल 7 है। और इसका जो क्रिस्टल है वो पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो नोज कट पॉइंट है वो हमने जब पावर आईसी निकाले थे तो हमें उस हिसाब से करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी पावर को ओपन करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसकी पावर का डाटा शीट चाहिए, तो मैंने एक दूसरे फ़ोन से इसकी पावर का डाटा शीट ले लिया है। और देखिए ये एक दूसरा फ़ोन है, ये एक A3S है, पर A3S में यहाँ पर आप देख सकते हैं PM और PMI यहाँ यहाँ लगी हुई है, दिख रहा है आपको, ये वो फ़ोन नहीं है। इस फ़ोन में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर PM लगी है और PMI पीछे लगी है यहाँ पर, ठीक है। और ये Realme 2 है, ये ओप्पो का बोर्ड है, Realme 2 है, रियलमी ओप्पो एक ही है, बैटरी ओप्पो की लगी है, लोगो रियलमी का आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग देता हूँ। हमें यहाँ पे इसकी पावर है, अच्छा इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगी है ना, और क्रिस्टल भी लगी होगी, ये देखो क्रिस्टल है, बट वहाँ पे 5 लगी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसके पावर के ऊपर जाएंगे और पावर पर जाने के बाद में हम यहाँ पर ये देखिए पावर आईसी, देखो आपको है ना क्रिस्टल वाला एरिया ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिस्टल वाला एरिया चेक करना चाहते हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये एरिया बूटिंग में तभी चेक होता है जब आपके वोल्टेज कैसे हो सर, फ्लक्चुएट हो, है ना। तो हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट, मतलब फोन ऑन हो रहा है पर रीस्टार्ट पे जा रहा है। हाँ, ये SPMI का हम क्यों नहीं चेक करेंगे, एक पैड की डिटेल चाहिए ना अगर देवेंद्र अग्रवाल से, और अगर मास्टर बनना है बाकियों के जैसे जैसे हमने बाकियों को बनाया है, तो एसर टेलीकॉम ज्वाइन करना। तो एसर टेलीकॉम आपको 5G तक के अपडेट देगा, एक क्लास में सब पढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो आप जानता है आपकी आपके आपका हार्ड डिस्क कैसा है, ठीक है। और मैं भी सब एक बार में पढ़ाकर आपको संतुष्ट नहीं करूंगा, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, पर आपको 3 महीने के अंदर इतना डेवलप कर दूंगा कि आप एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ये बात की गारंटी देता हूं मैं। बट SPMI क्लॉक डाटा हम नहीं चेक करेंगे, क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये अगर ओपन होता तो हमारा लो बूटिंग होता, पर हमारा फोन ऑन हो रहा है, ठीक है, ये आ रहा है रेफरेंस। तो बेसिकली ये वाला पार्ट हम बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। अब रहा बात बग का, तो बग का पार्ट हम चेक कर सकते हैं। देखो जैसे मॉडम का बग हो गया, मॉडम का बग पर अभी हमने सिम लगाई नहीं है, तो हम ये भी चेक करने हमारा बनता नहीं है, सो हम बग को चेक कर सकते हैं बिल्कुल। और उसके साथ जो मेन है, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर आपका रीस्टार्ट आए तो आपको चेक करना है आपके LDOs, ये देखो ये आपके सारे LDOs हैं। आपका LDO में हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ LDO बनने का कारण सिर्फ आउट नहीं होता और सिर्फ IC नहीं होती, इनपुट भी होता है। अगर आपका सिर्फ मान लो सिर्फ IC का 26 नंबर के पैड का आपका GR ओपन हो जाए, हाँ, या आपका ये लाइन OL हो जाए, तो आपका ये बोलो कि दो वोल्टेज वाला जो LDO यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, LDO 23 नहीं बनेगा, आप समझ रहे हो। और LDO 23 नहीं बना तो LDO 23 यहाँ पे सबसे आखिरी में है, और ये नहीं बना तो ये किसको बन रहा है, सब कैमरा, मतलब आपका कैमरा चलना बंद हो जाएगा। और आप भले ही पावर निकाल दो, आप कुछ भी कर दो, CPU रिवॉल्व कर दो, आपका कुछ नहीं होगा, आपको पावर IC निकालकर ये 23 नंबर का GR लेना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि इस पे सब LDO जो आपका हाई LDO का लाइन कनेक्टेड है कि नहीं है, सो इंटरनली लाइन है। तो इनपुट देखना बहुत जरूरी है, तो आउटपुट होता है, पहला इनपुट फिर आउटपुट फिर IC।
आप आईसी पहले चेंज कर लेके देख लो, वो तो आप इमीडिएटली कर लोगे, फिर आपने इनपुट भी देखना है और क्या देखना है आउटपुट। सो अभी फिलहाल हम क्या देखेंगे, अभी हम अपना इनपुट आउटपुट के सारे पैड देखेंगे, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे, अभी आपको देखो ये सारे पैडों में आपने देखना है कि आपको जीआर मिलना चाहिए, कुछ पैड आपको ओएल मिलेगा, बट अगर हमारा सीपीयू लगा एमएमसी लगा तो हमारे को सब पे जीआर आना चाहिए, किसी पर भी हमारे को बीप नहीं आना चाहिए। तो ये आपको दिमाग में कंडीशन नोट बना के रखनी है, ठीक है। तो हम एलडीओ को चेक करते हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ इस वीडियो को, अदरवाइज ये वीडियो ऐसा बनने लायक नहीं है, बट ये आपको आप लोगों के लिए काफी अच्छा एक सोल्यूशन हो सकता है कि अगर रीस्टार्ट का सेट है तो हमें किस तरीके से और चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग है, सबसे पहले हम चेक करेंगे पिन नंबर 9, बराबर सर, पिन नंबर 9, फिर 140, इस तरीके से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सर सबसे पहले मैं पिन नंबर 9 का एलडीओ चेक करूंगा, यहाँ पर दिखाइए थोड़ा कंप्यूटर में, थोड़ा सा जूम करके आ जाओ यहाँ पर। देखो L1 अगर आपका शॉर्ट होता है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये RFIC के अंदर जा रहा है, मतलब WTR है, तो ये आपका यहाँ पर रीस्टार्ट नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर बट आपका नेटवर्क नहीं आएगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, हमें तो चेक सबके करने हैं। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके यहाँ पर आपको मल्टीमीटर ये दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर चेक करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बीप सुना देता हूँ, ठीक है, और मल्टीमीटर में भी देख लेते हैं कि हमारा बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मल्टीमीटर में हमारा बीप आ रहा है, बराबर, हमने डायोड मोड पे किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ हमारा नोज कट पॉइंट है और हमें 9 नंबर गिनना है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो तो हमें बेसिकली रीडिंग आ रहा है 739, बराबर। तो अब हम जाएंगे पिन नंबर 140 और पिन नंबर 153, 50, 49 ऐसे करके, तो पिन नंबर 140 पर जाएंगे। तो पिन नंबर 140 पर जाने पर सबसे अच्छा है ये पिन है ना, ये कितने नंबर की पिन है अगर हम यहाँ पे बात करें तो। और अगर मैं आपको चलो सिखाता हूँ, मान लो अगर आपको किसी का बिट मैप ना मिले तो आप इस आईसी से जुड़ा कोई और बिट मैप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर रेडमी नोट 4 निकाल लेता हूँ क्योंकि आईसी रेडमी नोट 4 में भी लगी हुई है, ये निकाल लिया, आप नोटिस करना, आप उसको पूरा गिन सकते हो, आप 140 तक पूरा जा सकते हो, पर अगर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं समझदारी से तो बिल्कुल यूज करना चाहिए। तो मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, सिर्फ टीचिंग लेवल पे तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर हमने ये बोर्नियो को यूज किया है और यहाँ पर ये इसका नोज कट पॉइंट है, ठीक है। बोर्नियो में मैं आपको बता दूँ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो पैड लाइन है वो गलत गिनी गई है, तो बोर्नियो पे पूरा भरोसा मत करना, हो सकता है कि आपको खुद की पैड लाइन भी गिननी पड़े। L2 तो अब हमने L1 चेक कर लिया है, अब हमें L2 चेक करना है। नोटिस करो, यहीं पे दिखाता हूँ आपको कंप्यूटर में, यहाँ पे बड़ा करके यहाँ दिखाइए, देखो L2 आप देखो तो एक 1.2 वोल्टेज की लाइन है जो कि आगे कहीं नहीं जा रही है, जो कि एक कैपेसिटर के साथ होकर ग्राउंड हो जा रही है, ठीक है। सो अब इसके बाद में L2 में हमारा OL आना चाहिए, बराबर, शॉर्ट फिर भी नहीं आना चाहिए। और उसके बाद हमें L3 चेक करना है, फिर हमें L4 और फिर हमें L5, इस तरह से हम चेक करते जाएंगे। तो 140 और हम यहाँ पर बिट मैप ओपन कर रहे हैं इसी आईसी का ताकि हम जल्दी जल्दी इसको चेक कर सकें। तो हम यहाँ पर एक रेडमी नोट 4 का हमने बिट मैप ओपन किया है और अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो जो हमारा L2 है वो हमारा OL जाना चाहिए, तो जो हमारा L2 है वो हमारा OL जाना चाहिए। तो नोटिस करो, ये सिर्फ हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा आईसी के हमें गिनने में आसानी हो और जल्दी गिनने, कई बार बिट मैप पे ये पैड लाइन गलत दी है, तो ये दिमाग में रखना, गलत होगी तो आपको खुद से गिनना होगा। ये 140 नंबर आ रहा है तो ये हाँ नोज कट पॉइंट है, तो यहीं से हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो मैं 5 और 4 में जाऊँगा रो कॉलम में और मेरे को यहाँ पर OL आना चाहिए। नोटिस करो, ठीक है, ये नोटिस करना। देखो मैंने आपको बताने के लिए कि मैंने अभी अपना ये मैंने ग्राउंड लगा दिया, देखो ग्राउंड कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहां से 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां OL आना चाहिए। सो देखो यहां पे OL आ रहा है, रीजन क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है बाहर, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या मिल रहा है। अब हमें इसके बाद हमें मिल रहा है L3, 153 नंबर का लाइन है जो कि जा रहा है DSI USB PLL लो वोल्टेज, DSI मतलब डिस्प्ले सील इंटरफेस। ये लाइन अगर नहीं जाएगी तो आपका डिस्प्ले बनेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से ये लाइन शॉर्ट होती है, डिस्प्ले नहीं बनता। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं 153 के नंबर की लाइन। सो 153 हमारा यहाँ पर, जल्दी से हम चेक कर लेते हैं हमारा 153 यहाँ पर कहाँ पे है। सो 153 हमारा इधर है,
तो ये जा रहा है आपका, और ये सीपीयू में जा रहा है एलडीयू आपका। तो यहां से हम देखेंगे आखिरी में, तो यहां से तीन, फिर तीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे, ठीक है। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 8। नोटिस करो हमारा यहाँ पे जीआर आना चाहिए क्योंकि सीपीयू लगा हुआ है। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पे हमारा जीआर आएगा, ये देखिए जीआर आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है। ये थोड़ा सा लेट चलता है, ठीक है, क्यों चल रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो अब हमारे यहाँ बात करें L50, L4 के VREG L4 चेक करेंगे जो कि 50 नंबर की लाइन पर है, और 50 नंबर का लाइन हमारे को फिर से RFIC के अंदर जा रहा है, यह हमारा 50 नंबर के पैड पे जा रहा है, बराबर सर। 50 नंबर का पैड हम देखेंगे, तो 50 नंबर का पैड हमारे को आ रहा है यहाँ पर, ये तो यहां से हमारा आ रहा है, तो यहीं से ले लेंगे उल्टा, 1 2 3 4, चौथे पर 1 2 3 4 5, 4 और 5। तो अब हम यहाँ पे 4 और 5 में देखेंगे, तो ये हमारा क्या हमें बता रहा है। तो यहां पर हमारे को क्योंकि WTR लगा है, तो यहां हमारे को GR आना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आप देखो, तो यहां पर हमें GR मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें GR मिल रहा है, तो अब हम अगला चेक करते हैं। अब हमें अगला क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है L49 नंबर का पैड। 49 नंबर के पैड में आपने L5 नंबर की लाइन है जो कि ऑब्वियस है आपकी बननी चाहिए, नहीं तो आपका कौन ऑन ही नहीं होगा, 1.8। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं लो जीआर तो नहीं आ रहा है 49 पर, जो उसी के नीचे है। तो उसी के नीचे है तो मतलब 4 5 और ये 49, ठीक है। तो ये वाला हम चेक कर लेते हैं, मतलब 4 और 1 2 3, 4 और 6 के उसमें हमें जीआर मिलना चाहिए, और ये 250 के ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये हमारे को यहाँ पे अभी लेट जीआर आएगा, आपको मल्टीमीटर में आ चुका है, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2, ये 6 पे आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहां पर जी यार। तो इसका मतलब हमारा ये लाइन भी ओके है, हमारा ये लाइन भी शॉर्ट नहीं है। अब हम इसके बाद और अगला देखते हैं। देखो ये चेक जरूर करना है, भले कितना टाइम लगे, क्योंकि सीपीयू एमएमसी तो आफ्टर ऑल आगे चेक करना ही है, बट अगर हो सकता है आपको सीपीयू चेक रिवॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, 15 मिनट वेस्ट करो, नहीं तो आधा घंटा वेस्ट करना पड़ेगा। अब 49 नंबर हो गया, अब 22 नंबर चेक करते हैं सर, ठीक है। 22 नंबर पे आप देखें तो क्या मिलेगा आपको, 22 नंबर पे आपको L6 मिल रहा है, L6 आपका QFP रोम सेंसर, मतलब और IO और VDD फिंगरप्रिंट, तो ये भी आपका शॉर्ट हो सकता है, तो इसकी वजह से भी रीस्टार्ट में जा सकता है। तो L6 या चेक करते हैं 22 नंबर, तो 22 नंबर हमारा इधर ही है एक, तो 22 नंबर अगर हम गिन लेंगे तो भी आ जाएगा, 1 2 1 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे जाएंगे दूसरे के, तो यहां पर भी हमें जीआर मिलना चाहिए, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो सॉरी मैं उल्टा लगाया था प्रोप्स, 1 2 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहां पर भी आप देखो तो आपको जीआर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा मल्टीमीटर मेरे को डिस्टर्ब लग रहा है, तो मैं मल्टीमीटर देखो अभी भी वो रुक गया है, तो मैं मल्टीमीटर को थोड़ा सा बंद करके चालू कर दूंगा फिर से, ठीक है। ठीक है, अब मल्टीमीटर सही हुआ है, फिर से चेक करते हैं, 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6। तो अच्छा सॉरी ओम्स में हम इसको फिर से चेक करेंगे, डायोड में लाएंगे। तो अभी आप देखो तो आपको रीडिंग दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये आपका ओके हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या कहती है, L7, L7 7 नंबर की लाइन पे है जो कि जा रही है MSM मतलब CPU एनालॉग वोल्टेज के लिए, USB PLL मतलब पावर लूप ब्लॉक एंड WCN। तो ये हमारा 22 नंबर 7 नंबर पे, तो 7 नंबर को तो हम ऐसे ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 नंबर आ रहा है सर हमारा, तो 7 नंबर भी हमारा आ रहा है। अब 7 नंबर के बाद हमारा 30 नंबर, 30 नंबर पे हमारा कौन सा L बन रहा है, L8, और L8 ध्यान दो तो यहाँ पर MMC 2.9 है। अगर ये नहीं बनता तो हमारा ऑटो पोर्ट बनता, पर हमारा फोन तो ऑन हो रहा है तो ये नंबर चेक करने का तो बनता ही नहीं है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे L6, L मतलब 6 नंबर के पैड पे L9, L9 यहाँ पर बना रहा है एक WCN मतलब वाईफाई को 3.3 का वोल्टेज इनेबल वोल्टेज। तो हम L9 मतलब 6 नंबर पे हम देखेंगे कि हमें 6 नंबर पे क्या मिल रहा है,
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप देख सकते हो यहाँ पर 6 नंबर पे आपको शॉट मिल रहा है। मल्टीमीटर थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, यहाँ दिखाओ मल्टीमीटर में थोड़ा सा, वो छोड़ दो वाला मल्टीमीटर, ये दिखाओ, ये देखो 1, 2, 3 पहले वहां पे दिखाओ कहाँ रख रहा हूँ, फिर दिखाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यहाँ दिखाइए मल्टीमीटर में, देखिए ये शॉट दिखाई दे रहा है, वहां दिखाइए अब यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब आपने देखा कि आपको जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो वाईफाई से है, तो हो सकता है पावर आईसी शॉर्ट हो, तो पावर का ये पैड भी शॉर्ट हो सकता है, और ये पावर को रिवोल्व करने के बाद पता चल जाएगा, और हो सकता है वाईफाई शॉर्ट हो, आप समझना। पर क्योंकि पावर शॉर्ट होती तो अब ये पैड पे शॉर्टिंग नहीं आती, और पावर चेंज करने पर आपका सेट ओके हो जाता, तो मतलब ये लाइन आपकी वाईफाई पे जाती है, और आप खुद देखो कि इसका वाईफाई ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ये देखो वाईफाई में काम हो चुका है, वाईफाई के अंदर कंपोनेंट भी हिले हुए हैं, और मतलब वाईफाई को रिबोल करके लगाया है। बट यही प्रॉब्लम है कि लोग टेक्नीशियन सिर्फ रिबोलिंग सीख लेते हैं, आईसी निकालना लगाना सीख लेते हैं, पर सर्किट का नॉलेज नहीं सीखते, और सिर्फ सर्किट के नॉलेज के चक्कर में आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में भी मत जाओ जहां सिर्फ सर्किट सर्किट सिखा रहे हैं। देखो कंपोनेंट को डिटेलिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने का कोई नॉलेज बनता नहीं है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप समझो जो मेन है आपका वो है जो आपको टेक्नीशियन से टीचर बनाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई आप ना टीचर बनने वाले हो ना कुछ होने वाला है। अब रही बात इसकी, पर ये नॉलेज बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वाईफाई को भी निकाल सकते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा वाईफाई निकलने के बाद अगर ये शॉर्टिंग रहा फिर से, क्यों सर? तो हमारा वाईफाई चेंज होगा। तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि फिलहाल क्या क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको यूवी पैड यूवी ग्लू से मार दे सर, फिलहाल ये देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस पर वीडियो है, ये मोबाइल बनाने के पर्पस पर नहीं है, मैं लेते ही नहीं हूँ ये, मैं उसीलिए लिया क्यों वो कह रहे हैं कि सर सीपीयू एमएमसी करते नहीं आप कर दो, पर मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या सीपीयू एमएमसी के अलावा भी कहीं फॉल्ट होता है कि नहीं, और पैडो पे कोई जा ही नहीं रहा है, आप समझो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार, ये बहुत पहले से एसर टेलीकॉम करते हुए आ रहा है, स्टूडेंट को पता है एसर टेलीकॉम हर क्लास में एलडीओ को एक्सप्लेन करता है, एलडीओ बताता है चेक करो, पर स्टूडेंट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो सर? उन्हीं के लिए वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है कि भैया एलडीओ चेक करो। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं इसके इस पैड को यूवी ग्लू से ढक देता हूं, क्या सर? ठीक है बंद करो, रुक जा रे, यूवी ग्लू को दे रहे हैं, हां चलो चलो। मेरे को भी दिखाना, अकेले वो मत दिखाना, हाँ अभी वीडियो वीडियो चल रहा है, थोड़ा वो मत चलाना, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है ये होता रहेगा। अब हम अपनी आईसी को क्लीन कर लेते हैं,
मुझे लगता है शायद ये सारे भोपाल वाले ना ये बता रहे हैं कि इनके पास एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को, मतलब जो इनको कॉल लगाते होंगे कि हमारे पास तो एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट भी पढ़ के जा रहे हैं, जो हाँ जो दो तीन बच्चे जो अपने पढ़ के गए ना रोशन फोशन, उनका नाम लेके कि भाई उनके स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं करके। हाँ सही है। ये साइड में छोड़ दी, गंदी चुकी। वीडियो चल रहा पक्का? आज मम्मी ने घूमने के लिए नहीं बोला? कोई ऐसी ही नहीं मैच कर रही थी, लग गई। मेरा संडी तो नहीं दिख रहा ना? सारे ट्विजर मुड़े हुए कैसे हो सकते हैं सारे यार? कुछ एक आधो ट्विजर तो नया सा था यार। दूसरा नहीं, हो गया काम अभी, तो ये काम डन करते हैं पहले, तो फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो उसका बटन काम नहीं करता अभी, तो एकदम एक बार में दब जाता था। हमने आईसी तो लगा लिया, ठीक है, आईसी तो हमने लगा लिया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि वाकई बस पैड से प्रॉब्लम है या सीपीयू एमएमसी को रिमूव करना पड़ेगा। हालांकि फॉल्ट तो मिला है,
अब हम हुड को ठंडा करते हैं, उसके बाद एसी को चेक करते हैं। देखो दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे वीडियो है, मैं आपको एक वीडियो में सारे ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से कैसे काम करना है। अगर आप बेहतर तरीके से खुद से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और अगर बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसे टेलीकॉम में कॉल लगाओ, ठीक है। आपको सारे स्टेप बताएंगे जिससे आप अपना खुद का बूट सुपेंस बना सकते हो। खुद का बूट सुपेंस मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, सिर्फ लॉजिक एनालाइजर के अलावा भी एक अलग तरीका बताऊंगा। अब ये हमारा बोर्ड है, हमने आईसी लगा लिया है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो देखो, हमने पावर आईसी लगा दी है और हमने सारा कनेक्शन लगा दिया है। अब हमसे बैटरी लगा के इसको ऑन करेंगे और अभी हम ये देखेंगे कि अब हमारा क्या ये रीस्टार्ट होता है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा सेट चालू हो गया है। सर थोड़ा पास ले आओ। और ये सेकंड लोगों पे जाकर रीस्टार्ट हो रहा था, और अगर रीस्टार्ट होता है तो हम इसके सीपीयू और एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे। हालांकि हमें ये चालू जाएगा तो उसके बाद भी हम इस पर थोड़ा आरएनडी करना है। मुझे ये बोर्ड बहुत टाइम से चाहिए था तो मैंने तो उनसे ले लिया, मतलब ले लिया मतलब थोड़ा टाइम से। देखो यहाँ पर रीस्टार्ट हो रहा था सर इसके बाद, तो अब तक रीस्टार्ट हो जाता पर अभी रीस्टार्ट नहीं हुआ। डेट मीन यहाँ पर ये हमारा जो सोल्यूशन है वो फिट बैठा है। एलडीओ में ही प्रॉब्लम था पर अभी देखते हैं कि स्टक तो नहीं है। रियलमी का लोगो आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो अभी तक तो ये रीस्टार्ट हो जाता है। देखिए सर सेट चालू हो गया है, बैटरी कम है, 10% बैटरी बची है, तो सेट चालू हो गया है, रीस्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये सोल्यूशन हमें मिल गया है, ये देखिए। तो ये देखिए, ठीक है। तो देखिए यार, मैं चाहता तो सीपीयू मेमोरी रिवॉल्व कर सकता था पर मैंने ये पहला प्रोसेस अपनाया। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं।